हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड न्यू व्यूअर्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाली है। और इस स्कॉलरशिप में जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो टेंथ क्लास तक के हो, जिन्हें हम प्री मैट्रिक कहते हैं, और जो टेंथ क्लास के ऊपर हों, ठीक है, जिन्हें हम पोस्ट मैट्रिक कहते हैं, वो इस फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप एक जो अमाउंट होती है जो भारत सरकार के द्वारा या जो स्टेट है उसके द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है वो गेट कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर इस सर्कुलर में यही इशू किया गया है, बताया गया है कि आप कब से लेकर कब तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये बताया गया है कि इसमें लास्ट डेट जो है ना वो 15 नवंबर 2021 जो प्री मैट्रिक के हैं, यानी कि जो 10वीं तक के स्टूडेंट्स हैं, और 30 नवंबर 2021 तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ये पूरी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और जो भी टेरिटरीज होती है यूनियन, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो राज्य होते हैं, उन सबके लिए होती है। लेकिन हर राज्य में इसकी जो डेट है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे इस समय अगर मैं बात करूँ, अगर आप अभी देख रहे हैं, तो मोस्टली सभी स्टेट्स के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर, ये स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है ये स्टार्ट हो गया है। और ये ऑनलाइन रहेगा, इसमें आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा सकते हैं। अब इसमें जो फॉर्म ये निकला है ये माइनॉरिटीज़ का निकला है। तो माइनॉरिटी स्टूडेंट वो होते हैं जिन्हें हिंदी में अल्पसंख्यक कहा जाता है, जो भारत में संख्या में कम होते हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो गए, जैनिज़्म हो गए, मुस्लिम हो गए, ठीक है, पारसीज हो गए, इस तरीके से सब। और ऐसे ही जैसे स्कॉलरशिप का पेपर, जो स्कॉलरशिप का जो सॉरी फॉर्म ये जो आप देख रहे हैं ये तो माइनॉरिटीज़ का है, ऐसे ही एससी का, एसटी का, ओबीसी का भी फॉर्म निकलता है। तो वो भी जैसे निकलेगा तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, ये इसमें मैंने आपको जो है ये बताया कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं और अब कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उसको जो है एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मैंने मेन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, कि आप स्कॉलरशिप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहे तो जो कैफ़े में जाकर, ठीक है, उनकी मदद लेकर वहाँ से भी इसे फिल करवा सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो है आपको सही से प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है, नहीं तो अगर आप बाद में गलत हो गया तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए, ये तो इसमें कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, और ये 21 को सर्कुलर इशू किया गया है, ठीक है, दिल्ली से। ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अंदर भी जो है इशू कर दिए गए हैं। ठीक है, होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ठीक है, जो अभी देख रहे हैं उनको तो डिस्क्रिप्शन में अभी थोड़ी देर में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, किस चीज़ का, कि फॉर्म कैसे पूरा फिल करना है। बाकी अगर ये वीडियो जैसे 2 दिन 3 दिन बाद देख रहे हैं तो उनको पक्का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो गया होगा, ठीक है, वो आराम से उस पर लिंक पर क्लिक करके उस पूरी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी जो स्कूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।